हाय दोस्तों, चिकन चिल्ली एक इंडो चाइनीज डिश है जो आजकल बहुत ही फेमस है। पार्टीज में इसे नॉनवेज स्टार्टर के रूप में भी सर्व किया जाता है। तो चलिए आज मेरे स्टाइल में चिकन चिल्ली बनाते हैं। चिकन चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए 200 ग्राम चिकन में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, 2 टेबलस्पून नींबू का रस और एक अंडे का सफ़ेद भाग डालकर मिक्स करेंगे। इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम सॉस मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब हम मैरिनेटेड चिकन में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करेंगे और सारे चिकन पीसेस को डीप फ्राई करेंगे। अब एक पैन में थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स। इसे हाई फ्लेम में टॉस कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब फ्राइड चिकन पीसेस और सॉस मिक्स को डालकर मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये लीजिए, हमारा चिकन चिल्ली तैयार है। तो लग रहा है ना ये टेस्टी? इसे आप भी बनाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा बना।